हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूजी के स्वादिष्ट लड्डू, जिनको हम बिना चाशनी, बिना मिल्क पाउडर और बिना मावा के बनाकर तैयार करेंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बताइए कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सूजी के लड्डू। सूजी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल देंगे 3 चम्मच घी, 2 चम्मच। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम उसमें डाल देंगे 2 चम्मच काजू, जो को हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। काजू अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच किशमिश। किशमिश को भी हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे कटे हुए बादाम, इनको भी हम 1 मिनट फ्राई करेंगे। इनको भी निकाल लेते हैं। अब हम इसी घी में डाल देंगे 1.5 कप सूजी। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर सूजी को अच्छे से भून लेंगे। सूजी को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। सूजी को हम जब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे। और ये देखिए, सूजी अच्छे से भुन गई है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप चीनी। आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे वो भी डाल देंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। दूध डाल देंगे। दूध हमें इतना डालना है जिससे सूजी अच्छे से बाइंड हो जाए। और ये देखिए, सूजी अच्छे से बाइंड हो रही है। अब हम इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, हमारे सूजी के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।